अभी हम आज अभी आए हैं अपने पार्टी के सभी नेताओं से और गठबंधन के लोगों से बात करेंगे कि हमारी क्या तैयारी है और उनकी समीक्षा करके बोलेंगे। देखिए आरएलडी के साथ आने से कितना फायदा वेस्ट यूपी में मिलना जा रहा है? पूरा फायदा है, पूरे प्रदेश में फायदा है। और जो भी छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए हैं उनसे भारी परिवर्तन की उम्मीद है। अच्छा अध्यक्ष जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट हलचल मचाए हुए है कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा, क्या कहना है? ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए जुमले फेंका करते हैं। इनको जो विभाग दिया है उस विभाग की चिंता नहीं, सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई है, सड़कों में गड्ढे हैं उसकी चिंता नहीं है इन महोदय को। और समाज में इस तरीके की जुमलेबाजी करके महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की फसलों की लूट, नौजवानों के साथ रोजगार की परेशानी की बात नहीं करते हैं और जुमले फेंकते रहते हैं। क्या लगता है इस चुनाव में 2022 के मंदिर मुद्दा दोबारा से आने की संभावना है बीजेपी? मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की फसल की लूट और उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और डेवलपमेंट पर मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा। अध्यक्ष जी, आरएलडी से किस तरीके से अपनी सांठगांठ उठाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो मेरठ में है उसमें गुटबाजी है, यहाँ पर भी 3 या 4 गुट हैं जो आपस में एक दूसरे के वर्चस्व का कायम रहता है, किस तरीके से आरएलडी से आप लोग सांठगांठ उठाएंगे? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सारे सभी दलों को मिला करके पूरे प्रदेश में बहुत ही सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए हैं और मेरठ भी आप परिवर्तन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मेरठ से ही शुरुआत होगी। अच्छा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में बयान दिया है कि बीजेपी ने लोगी छाप और जालीदार टोपी वालों से निजात दिलाई है, समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया है। इनको बोलने की समझ नहीं है, भारत के संविधान की कसम खाई है। कम से कम ऐसी भाषा बोले जिससे समाज में अच्छा बर्ताव हो और ऐसी भाषा बोल करके अपनी नाकामी न छुपावें। सभी मीडिया के भाइयों को, पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। 7 तारीख को मेरठ जिले में परिवर्तन रैली होना है और उस रैली की तैयारी के लिए भी हम आए हैं। किसान, मजदूर, नौजवान, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग भाजपा सरकार से बेहद दुखी हैं, क्योंकि बीजेपी ने सबके साथ धोखा किया, सबके साथ छलावा किया, जिससे पूरे प्रदेश बीजेपी के विरुद्ध बहुत आक्रोश है, जनता का गुस्सा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पक्ष में पूरे प्रदेश के गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, छात्र, नौजवान सभी आज समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री यादव जी की तरफ देख रहे हैं कि वो जल्दी समय आए और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो। जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी की विजय यात्रा पर भीड़, जनता, किसान, मजदूर, नौजवान सब इकट्ठे हो रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबरा रही है और तरह तरह के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाने का काम कर रही है। सामाजिक समरसता को भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ रही है। इनके बड़े पदों में बैठे हुए लोग सामाजिक विषमता बढ़ा रहे और सामाजिक समरसता को कमजोर कर रहे हैं। पूरा प्रदेश महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, बिगड़ी हुई चिकित्सा व्यवस्था से, शिक्षा व्यवस्था से बहुत परेशानी पर है। इसलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी संयुक्त रैली करने जा रहे हैं 7 तारीख को। रैली बहुत ऐतिहासिक होगी, आप सभी का सहयोग चाहिए और पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल चुकी है। अध्यक्ष जी, आरएलडी के साथ आने से कितना फायदा है, कितने लोग